आज का टॉपिक है वाट वोल्टेज एम्पियर। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें ये पूछ लिया जाता है आपसे इंटरव्यू में कि वाट वोल्टेज एम्पियर में क्या अंतर है। तो पहले तो ये समझ लीजिए वाट वोल्टेज एम्पियर में क्या अंतर है, इसके अंदर कॉमन क्या है। तो कॉमन सीधा सा ये है कि ये तीनों ही एक यूनिट है। क्या है? तीनों ही एक यूनिट है। आपका होगा समझ में नहीं है, तो समझने के लिए आप ये समझिए कि ये आपके पास कोई मैटर है, ये आपके पास कोई मैटर का टुकड़ा है। तो इससे आप कैसे मापोगे, आप इसे कैसे मापोगे? इसे आप वजन से मापोगे, और वजन किस में मापा जाता है? वजन मापा जाता है किलोग्राम में। तो किलोग्राम इसकी एक यूनिट होगी। इसी प्रकार से यह एक यूनिट होती है, किसकी? वाट वोल्टेज एम्पियर भी एक यूनिट है। तो शुरू करते हैं सर वाट से। तो वाट क्या है? वाट एक यूनिट है। ये किस चीज़ की यूनिट है? आपकी वाट पावर की यूनिट है। पावर क्या होता है? पावर शक्ति। अब आप इजीली समझिए कि आपकी एक मशीन है, ये मोटर है। तो यह मोटर कोई बिजली की खपत दे रही होगी, तो यह है कितनी बिजली का खर्च करेगी, या कितनी बिजली को खाएगी, या कितनी बिजली का नुकसान करेगी, और उसे मापते हैं सर वाट में। जैसे आपने सुना होगा 100 वाट, 100 किलोवाट, या 740 वाट, या 740 किलोवाट। तो सर यहाँ से आपका वाट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वाट यह शक्ति की यूनिट है, और यूनिट किसमें? आपको 100 वाट, 100 किलोवाट, 740 वाट और 740 किलोवाट। और वाट से ही आपका वोल्टेज और एम्पियर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका वाट का फॉर्मूला होता है वाट इज इक्वल टू वी गुना आई, मतलब वाट बराबर होता है वोल्टेज गुना आई। यहाँ पे वोल्टेज वी वोल्टेज और आई एम्पियर विद्युत धारा होती है। इसके बाद देखते हैं वोल्टेज और एम्पियर को। आप एक बात देखिए, क्या किसी तार में एम्पियर होने से करंट लग सकता है? नहीं। अगर किसी तार में सिर्फ और सिर्फ एम्पियर है, जब तक कि वोल्टेज नहीं है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज किसी भी तार में करंट को यानी एम्पियर को पुश करने का एक माध्यम होता है। जो वोल्टेज, अगर वोल्टेज है तो एम्पियर को बढ़ाएगा, यानी एम्पियर बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ाने से ही करंट बढ़ेगा या करंट फ्लो होगा। एक चीज़ समझिए आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ से आपको बिल्कुल दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये बुलेट है, आपको एक गोली से एक इंसान को मारना है, भाई इंसान को मारना है, तो आपको मैं गोली दे दूँ, खाली गोली के गोली लो, इस इंसान को मारना है, क्या मार पाओगे? नहीं। तो आपका गोली हो गया एम्पियर, ये करंट हो गया। करंट लगेगा नहीं जब तक इसे गन, ये गन हो गया आपका वोल्टेज, जब तक कि आपको एक वोल्टेज ना दिया जाए। तो इसके ही वोल्टेज से यह गोली की स्पीड बनने के बाद, एक वेलोसिटी बनने के बाद यह इंसान को मार पाएगी। इसी आधार पर अगर किसी भी तार में वोल्टेज नहीं होगा तो कोई भी इंसान को करंट नहीं लगेगा। और आप ही देखिए करंट किस प्रकार के तार में से होकर के बहेगा, एक ऐसे मैटर में से जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब उस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की बैटरी रहने से तो करंट नहीं लगेगा, और करंट वो उन इलेक्ट्रॉन को बहाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। तो वो उसका कार्य करता है गन, गन जैसे कार्य करती है, उसी प्रकार से वोल्टेज कार्य करता है उन इलेक्ट्रॉन को बहाने का। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो करंट को सीधे से कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। अगर आप कहोगे सर कितना वोल्टेज होना चाहिए जिससे कि इंसान की मृत्यु नहीं, तो उस पर उसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ सकता है, तो जान लीजिए अगर आपका 1 वोल्ट है तो कुछ नहीं होगा, और 1 से अगर आपका 3 वोल्ट है तो उसे कुछ नहीं होगा, फील नहीं होगा। अगर यही वोल्ट आपका 3 से 5 वोल्ट हो जाता है तो वह इंसान फील कर पाता है, इस वोल्ट को, उस करंट को फील कर पाएगा। हाँ कि कुछ है, अगर 5 की जगह 10 वोल्ट हो तो वह इंसान इसे कंट्रोल में रख पाएगा कि अपने आप को छुड़ा पाएगा। अगर यही 20 वोल्ट या 30 वोल्ट हो जाता है तो यह उसके लिए कुछ ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, यह उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर वह इंसान उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यह कुछ ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज तो मिली होगी। अगर हाँ तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर आप इस टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो।
सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के टेक्निकल इश्यूज क्लियर किए जाते हैं। और आप हमारी प्लेलिस्ट में आकर के देखिए, क्योंकि इस पर सभी प्रकार के ITI के सभी कोर्स कंप्लीट किए जा रहे हैं, और अलग से आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जा रहा है।